आज हम बनाएंगे ब्रोकली और बादाम का बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सा सूप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी है प्रोटीन से भरपूर क्रीमी टेक्सचर वाला ब्रोकली और बादाम का सूप। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम एक टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। फिर हम इसमें कटी हुई लहसुन और कटी हुई प्याज और दो तेज़पत्ते डाल देंगे। प्याज को हल्का लाल होने तक भून लेंगे। सूप बनाने के लिए हमने यहाँ पर पीनट ऑयल का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो बटर या फिर ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने इसमें कुछ धनिया के डंठल डाल दिए हैं, जो कि मैं अक्सर रख लेती हूँ और जो कि हमारे सूप को बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देता है। फिर हम इसमें 2 कप के करीब पानी डाल देंगे और यहाँ पर हमने छिले हुए बादाम लिए। बादाम को हमने 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दिया था, जिससे कि इनका छिलका आसानी से निकल जाता है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। अब हम लेंगे 300 ग्राम ब्लांच्ड ब्रोकली। इसको हमने बहुत ज़्यादा गर्म पानी में डाल के निकाल लिया था, जिससे कि इसकी जो इम्प्योरिटीज़ है वो निकल गई है। और इसमें अभी हम डाल देंगे, अभी हम इसको 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे, जब तक कि ब्रोकली थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। फिर हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें जो तेज़पत्ते हैं उनको भी निकाल देंगे। और ये पूरी तरह से जब ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसकी फाइन प्यूरी बना लेंगे। इसकी हमने बिल्कुल फ़ाइन प्यूरी बना ली। आप चाहें तो इसको छान सकते हैं स्ट्रेनर से। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं इसे छान लूँगी, जिससे कि बच्चों के मुंह में कुछ भी अगर जो बादाम के पीसेस रह जाते हैं या फिर ब्रोकली के, वो ना पड़े, इसलिए मैं इसको छान के लेती हूँ। इसको अच्छे से छान लेंगे और फिर इसको सूप को, अगर पानी कम या ज़्यादा लग रहा है तो इसमें ऊपर से बॉयल किया हुआ पानी डाल दें। अभी हमारे सूप की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। इसमें अभी हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसे 5-7 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे। फिर इसको हम गैस को बंद कर देंगे। प्रोटीन से भरपूर ब्रोकली और बादाम का सूप बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनके तैयार है। इसे हम गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। ऊपर से चाहें तो आप इसमें थोड़े से ब्लैक पेपर या फिर चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर सकते हैं। बच्चे भी इसे खाने वाले हैं, इसलिए मैंने इसे बहुत ज़्यादा तीखा नहीं रखा है। और ये हमारा हेल्दी सा सूप रेडी है।